नमस्कार दोस्तों, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिव्यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए रिक्वायरमेंट के साथ नए एटमोसफियर में अपना फीडबैक आप लोगों का लेते हुए एग्जाम देखते हुए काम शुरू किया। जैसा कि आपको पता है कि अभी हालिया में अक्टूबर में लास्ट मंथ एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पैक 2022। कई बच्चों की आई कि सर कितना रिक्वायरमेंट, कितना कट ऑफ जा रहा है, कैसा नॉर्मलाइजेशन होगा, व्हाट इज रियल स्कोर कार्ड, व्हाट इज स्कोर कार्ड, कैसे पता चले कि हमारा ये स्कोर सेफ है या ये स्कोर अनसेफ है। तो उसी को देखते हुए हमारी टीम ने अपनी रिसर्च और एग्जाम के इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट पैटर्न को देखते हुए चारों शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस करके एक फीडबैक तैयार किया है, एक एनालिसिस पे पहुंचे हैं। वही मैं एनालिसिस आप लोगों को शेयर करने आया हूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों के, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम पैक लास्ट ईयर से ही कराना शुरू किया था। लास्ट ईयर यानी 2021 में यूपी ट्रिपल एस सी ने पैक पहली बार शुरू कराया, और उस पैटर्न को देखते हुए जो उसने उस पैटर्न पे रखा, क्या रखा था कि उसने जो बुलाए हैं बच्चों को, मैं लास्ट ईयर के एग्जाम को देखते हुए 5 times जितनी 15 times जितनी वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना लोगों को बुलाया। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे लास्ट ईयर जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है तो उसमें बुलाया जो वैकेंसीज थी वो हमारी थी 8500 समथिंग, ठीक है, यानी 18500। तो उन वैकेंसियों के हिसाब से उसका 15 times बुलाया गया है बच्चों को। यानी जो अगर हम उसके स्कोर कार्ड की देखें तो कैटेगरीज वाइज, जनरल कैटेगरी का अगर हम स्कोर देखें तो जनरल कैंडिडेट को 64 to 63, यानी 63 से बच्चों को बुलाया गया था। ऐसे जनरल, इसी EWS और आपका OBC, लगभग OBC और जनरल सेम थी, और SC ST और EWS, तो लगभग जितने भी आपके 64 63 65 और 50 70 70, ऐसे ही बच्चों को बुलाया गया। क्योंकि ये बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि उस टाइम पे हमारे पास लेखपालों की वैकेंसी के लिए हमारे से वैकेंसी बहुत थी, हमारे पास वैकेंसीज थी 8500। जैसे इस टाइम अगर देखें कि 2020 एंड थर्ड, जैसे आपको पता है कि 2022 का पैट आपका वैलिड रहेगा फॉर अ 1 year, 1 साल के लिए। अब 1 साल में आपकी कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में निकलेंगी, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा सारा मामला। अब जरा हम लोग समझें कि रियल कार्ड, रियल स्कोर कार्ड, नॉर्मलाइजेशन क्या पैटर्न है, तो जरा देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपने अगर देखा हो लास्ट ईयर लोगों ने जो एग्जाम दिया है, आपने भी दिया होगा, तो आपने देखा होगा वहां पे एक आपका स्कोर कार्ड था, एक आपका नॉर्मलाइजेशन था और एक आपका परसेंटाइल था, ठीक है ना। तो स्कोर कार्ड जो ये था वो आपका रियल स्कोर कार्ड था, 3 categories किया गया था, नॉर्मलाइजेशन फिर किया गया था और उसके बाद आपका परसेंटेज परसेंटाइल कराया गया था कि किसी के 69 है तो वो भी 94 के करीब पहुंच गया, किसी के 70 है तो वो भी 95 के करीब पहुंच गया, 97% की तरफ पहुंच गया। यानी तो, और जो कैंडिडेट की कॉलिंग की गई थी वो की गई थी आपके स्कोर कार्ड के अनुसार, परसेंटाइज के अनुसार नहीं, स्कोर कार्ड के अनुसार। तो अगर आप इस टाइम जो इस वर्ष एग्जाम हुआ है, इस वर्ष के एग्जाम में अगर हम देखें तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था 15th of October और 16th of October को। अब यहां पे क्या था, 2 shifts में था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, और यहां पे क्या था, यहां पे भी था फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, यानी जो एग्जाम था वो 2 shifts में कराया गया था, एक था आपका फर्स्ट शिफ्ट का और दूसरा था आपका सेकेंड शिफ्ट का। तो जब हमारी टीम ने इसका एनालिसिस किया तो देखा कि आपका जो सबसे हार्डेस्ट जो एग्जाम हुआ है, जो सबसे हार्डेस्ट जो एग्जाम हुआ है, जो पेपर देखा गया है, वैसे तो सारे पेपर इजी टू मॉडरेट थे, सारे शिफ्टों के पेपर, लेकिन अगर इन चारों में कंपेयर किया जाए तो आपका जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो सबसे हार्ड आप उस श्रेणी में रख सकते हैं।
यहाँ पे आप जो इस पे एक बात पे ध्यान देना कि जो हार्ड पेपर होगा, जो सबसे ज्यादा कठिन पेपर होगा, उस शिफ्ट के बच्चों को इस कैटेगरी में यानी नॉर्मलाइजेशन में फायदा होने वाला है, नो डाउट। जितना हार्ड पेपर नॉर्मलाइजेशन के साथ उनके साथ थोड़ी क्या किया गया, रियायत दी गई, और सबसे इजीएस्ट जो पेपर था वो उसके लिए कहा गया है, देखा गया है कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर सबसे इजी पेपर था, ठीक है। और अगर यहां पे हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, पहली बार पेपर हो रहा था, पहली बार का मतलब है कि इस 22 में फर्स्ट टाइम पेपर हुआ, कैसा होगा किसी को पता नहीं था, तो इस पेपर को हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पेपर था इस टाइप जो फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट फेज में बच्चों को पता नहीं था किस टाइप का पेपर आना है, कैसे क्या बच्चों को कैसे ट्रीट, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसा क्वेश्चन का वेटेज होगा, इजी होगा या मॉडरेट होगा, तो कुछ हद तक फायदा फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को भी होगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को 1 और 2 प्लस नॉर्मलाइजेशन में 2+ का फायदा होना तय है। और अगर हम यहाँ इजी की बात करें इजी शिफ्ट वाले बच्चों का, तो यहां पर हो सकता है कि इजी शिफ्ट वालों को 1.5। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर मेरा तो पेपर बहुत कठिन था, सेकंड फोर्थ शिफ्ट में था, इसका ये वाला पोर्शन ज्यादा कठिन था, डीआई वाला पोर्शन कठिन था, और आपका जीएस वाला पोर्शन एक अलग लेवल का था, मैथ वाला पोर्शन अलग लेवल का था, आप इसे सरल कैसे कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों के इस वाले मेथड में अगर हम डीआई की बात करें, डीआई की भी यही बात कर लें, तो डीआई लगभग चारों शिफ्टों में यानी दोनों दिन सेम लेवल की थी। जीएस की अगर बात कर लें तो जीएस वाला जो पोर्शन था वो सेकेंड शिफ्ट 16 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का क्या था, इजी था, बाईस फर्स्ट थर्ड और 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार, ठीक है। तो यानी अगर हम ऑन पूरे कैलकुलेशन या कंक्लूजन के अनुसार हम पहुंचे तो सेकेंड शिफ्ट 15 तारीख वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। अब अगर हम बात करें जैसे वैकेंसी वगैरह निकलती हैं, तो वो वैकेंसीज आपकी क्या होंगी, वैकेंसीज डिपेंड करेगा कि आपका कितना स्कोर सेफ है। जैसे अगर हम आपको समझाएं, जैसे 2021 में हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज निकली थी, तो जैसे अगर हम देखें एनएम वाला, जैसे आपके कई कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे मेडिकल बैकग्राउंड के, कई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के, कई कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो कई वैकेंसीज ऐसी होंगी जिनमें ये पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर हम मेडिकल की बात करें और 2021 का ही एग्जाम्पल ले लें, 2021 में मेडिकल बैकग्राउंड की जो एनएम की वैकेंसी निकली थी उसके बारे में ये है कि आपका 45 मार्क्स का कैंडिडेट भी सेव था, ठीक है। 45 क्या मैं ये कह रहा हूँ कि 35 मार्क्स के कैंडिडेटों को भी क्या किया गया है, कॉल की गई, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा थी, 20,000 के करीब वैकेंसी थी, ठीक है। और यही अगर एग्रीकल्चर में कई डिपार्टमेंट हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, जिनमें स्नातक डिग्री पर या एग्रीकल्चर लिए हुए बच्चों को ही अप्लाई करने का मौका मिलता है, ऐसे कॉमर्स वाले बच्चों को मौका मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो 12th लेवल का है, 12th लेवल की जो वैकेंसीज हैं, जैसे आपका BDO हो गया, लेखपाल हो गया, और अगर एग्जाम हो गए, जूनियर असिस्टेंट हो गया, तो इन सारे एग्जामों में जब वैकेंसीज निकलेगी, और इनकी अगर वैकेंसीज ज्यादा नहीं हुई, ज्यादा का मतलब अगर 8,000, 5,000 इसके नियर अबाउट नहीं रही, तो यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड 85 मार्क्स भी कम पड़ जाएंगे, समझना मेरी बात। जैसे अभी हालिया में कुछ वैकेंसी 2021 में निकाली गई थी फूड इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें केवल 45 वैकेंसीज थी, तो वहां उसकी वैकेंसी के पर जब स्कोर कार्ड वाले बच्चों को देखा गया तो 87 उसकी मेरिट गई, कितनी मेरिट गई, 87 मेरिट गई है। तो और अगर नेपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नेपाल की मेरिट इतनी गई है। तो अगर सेफ की यहाँ पे बात करें कि कितना स्कोर सेफ है, तो स्कोर आपका 85 भी यहाँ पे देखो सेफ नहीं रहा, स्कोर आपका यहाँ 70 भी सेफ रहा, ठीक है। तो स्कोर की यहाँ पे बात की जाएगी कि आपकी जो मेरिट ओवरऑल निकलेगी वो आपकी वैकेंसी पर डिपेंड करेगी। अगर आपका पेपर किसी भी, अगर आपको लगता है कि मेरा ये पोर्शन वीक रहा, तो नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम होगा और आप उसमें अच्छा
तरीके से अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करिए, अपना जो पोर्शन जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उन पर एनालिसिस करिए और एक पेपर पर लिखिए कि मेरा ये वाला जीएस का ये पोर्शन वीक है, साइंस का ये पोर्शन वीक है, मैथ्स का ये वाला पोर्शन वीक है। तो इस तरह आप एनालिसिस करके और उसे अपने अच्छी बना सकते हैं। लेकिन वैकेंसीज अगर ज्यादा आती हैं तो आपका स्कोर, कोई भी स्कोर पे आप पार्टिसिपेट अगली वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अगर हम और आगे की अगर हम बात करें कि भाई के नॉर्मलाइजेशन स्कोर कार्ड सर कितना होगा कैसे होगा, तो अगर हम ओवरऑल इसका एवरेज निकालें 2021 का, तो जनरल कैटेगरी का 70-75 मार्क्स, ध्यान से 70-75 मार्क्स वाले कैंडिडेट क्या हैं, एप्लीकेबल रहेंगे अगर आपकी वैकेंसीज 3000 के समथिंग निकलती है। जैसे कि सुना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर लेखपाल की वीडियो की 3000 के नियर अबाउट वैकेंसी निकलेगी। ओबीसी की अगर हम बात कर लें तो ओबीसी की आपकी 68-73 की वैकेंसीज वाला कैंडिडेट, मतलब स्कोर वाला कैंडिडेट क्या रहेगा, अपना सुटेबल रहेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि एससी और एसटी वाले, तो एससी और एसटी वाले आपके 60-65 वाले सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट आपके 69-74 तक के कैंडिडेट्स कैसे रहेंगे आपके ईडब्ल्यूएस वाले सेफ कार्ड या आने वाले एग्जामों में एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये है आपका एक तरह से नॉर्मलाइजेशन का और एक तरह से आपका कैसे पार्टिसिपेट किया जाएगा, कैसे क्या स्कोर कार्ड बनेगा, कैसे हम लोगों को आगे की रणनीति तैयार करनी है, कैसे अपने एग्जाम के लिए तैयार करनी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा इस बार वाले पेपर में स्कोर कार्ड कम रहा, तो ऐसा कतई परेशान मत हो, क्योंकि हो सकता है कि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। स्पेशल कैटेगरी का मतलब है मेडिकल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो आपके लिए बम्पर वैकेंसीज आएंगी। तो आप होपलेस ना हो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और आगे चलें और एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद। चलिए।